To get all notifications, click here, and click here. Enjoy! Hello everyone, this is me, Arohi, welcoming you into my YouTube channel, Arohi Out of Bounds. Into this video, I'm going to explain you about how to boost our immune system in very short. So stay tuned with us. ये है टी सेल्स हमारी इम्यूनिटी. अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो किसी भी फ्लू या वायरल इन्फेक्शन या और कोई बीमारी होने की संभावना को हम कम कर सकते हैं. हमारी अच्छी इम्यूनिटी ही हमारे बॉडी को दूसरे कई डिसीज से सेफ रखती है. पर क्या कभी आपने सोचा है कि कभी कभार फ्लू या किसी इन्फेक्शन की वजह से हमारे घर में या फिर बाहर कुछ लोग जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं और बार बार बीमार हो जाते हैं और कोई बीमार नहीं होता है. ऐसा क्यों? इसकी वजह है हमारी इम्यूनिटी. इम्यून सिस्टम इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट एन एलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी. यानी कि अगर हमारी इम्यून सिस्टम जितनी स्ट्रांग होगी उतने ही हम कम बीमार होंगे. बट देन अगेन, हैविंग अ स्ट्रांग इम्यून सिस्टम डजंट मेक यू इनविंसिबल. हमारी लाइफस्टाइल के थोड़े चेंजेस ही हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं और उसके बाद योर इम्यून सिस्टम इज स्ट्रांग इनफ टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट द वायरस इन्फेक्शन. द फर्स्ट वन इज हमारा डाइट, यानी कि हमारा खाना. जैसे कि किसी भी सोल्जर को लड़ाई में लड़ने के लिए अच्छी ताकत के लिए अच्छा खाना खाना जरूरी होता है, वैसे ही हमारा बॉडी का सोल्जर हमारी इम्यूनिटी को अच्छे नरिशमेंट की रेगुलर जरूरत होती है. ऐसा पाया गया है कि जो लोग माल नरिश्ड होते हैं उनमें वल्नरेबल इन्फेक्शियस डिजीज पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिंस एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे कि जिंक, सेलेनियम, आयरन, कॉपर, फॉलिक एसिड एंड विटामिन ए, बी, सी एंड ई. सो अब हम क्या करेंगे? इफ यू सस्पेक्ट योर डाइट इज नॉट प्रोवाइडिंग यू विथ ऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नीड्स, इसके लिए हमें अच्छा डाइट, यानी कि हमें डेली बेसिस पर सीजनल एंड रीजनल लोकल अलग अलग सब्जियां, फल को ज्यादा से ज्यादा हमारे खाने में इंक्लूड करना चाहिए और उसके साथ साथ हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स और इसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं. यानी कि हमारा खाना एक संतुलित खाना होना चाहिए जिससे हमारे बॉडी को सारा न्यूट्रिशन मिल सके. ईट लाइव एंड फ्रेश फूड. ये सब खाना हमारे डाइट में इंक्लूड करने से हमारे बॉडी को सारे जरूरत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिंस मिल पाएंगे और ये सब न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के वॉरियर टी सेल्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जिससे वो किसी भी इन्फेक्शन या बीमारी से लड़ने के काबिल बन पाएंगे और हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो पाएगी. सो हैविंग हेल्दी फूड एंड डाइट इज द फर्स्ट की. ईट नेचुरल, सीजनल, रीजनल एंड स्टे हेल्दी. याद आता है एक्सरसाइज. रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करने से हम हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं. अच्छा खाना खाने के बाद अब वो जो न्यूट्रिशन है उसको टी सेल्स तक पहुंचाने के लिए वो खाना डाइट डाइजेस्ट होना अच्छे से बहुत ज़रूरी होता है. अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को मिल पाएंगे और डाइजेस्ट होने के लिए सफिशियंट एक्सरसाइज ज़रूरी है, जिससे वो डाइजेस्ट होके हमारे टी सेल तक पहुँचेगा और हमारे टी सेल काफ़ी स्ट्रांग हो पाएंगे, जिससे वो किसी भी तरह के इन्फेक्शन या बीमारी से लड़ पाएंगे. सो रोज कुछ अच्छी एक्सरसाइज करें, अच्छा खाने खाने के बाद इम्यूनिटी को बूस्ट करें. पर कंटिन्यूस रिगोरस वर्कआउट ही हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है. सो जस्ट डू फॉलो सम योगा, वॉकिंग, ब्रिस्क वॉक और कई सारी. देखेंगे अच्छी स्लीप, यानी कि अच्छी इम्यूनिटी के लिए अच्छी नींद लेना भी बहुत आवश्यक होता है. लैक ऑफ स्लीप कैन कॉज द इन्फ्लेमेटरी इम्यून रिस्पॉन्स टू एक्टिवेट, रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ टी सेल्स इन द बॉडी.
यानी कि अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो हमारे व्हाइट सेल्स, हमारे टी सेल्स अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक होती है और जो भी हम वैक्सीन्स लेते हैं वो भी अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। इसके लिए सभी उम्र के लोगों को अच्छे से अच्छी नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि जब भी आप नींद से जगे तो आपको फ्रेश फील होना ज़रूरी है, उतने घंटों की और वैसी साउंड स्लीप होनी ज़रूरी है। अच्छी तरह से नींद लेने से हमारा बॉडी अच्छे से काम कर पाता है, जिससे हमारे बॉडी में से ज़रूरत की मात्रा में हॉर्मोन्स रिलीज हो पाते हैं और हमारा शरीर सही तरीके से काम कर पाता है, और वो भी बिना किसी बीमारी के। सो डोंट फॉरगेट टू टेक साउंड एंड इनफ स्लीप एवरी डे। और अब आता है जो हमारी सबकी लाइफ में कॉमन बन चुका है, या फिर हमने ऐसा एक्सेप्ट कर लिया है कि ये बहुत ही कॉमन है, वो है स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस इज वेरी डैमेजिंग फॉर अवर बॉडी। अगर हम बहुत ही ज्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होना शुरू होता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यून सिस्टम सप्रेस होने लगती है। कॉर्टिसोल इंटरफेयर्स विद द टी सेल्स टू रिप्रोड्यूस एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द बॉडी, और यही कॉर्टिसोल की वजह से हमारे गट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहे हुए एंटीबॉडी सेक्रेटरी IgA को भी कम कर देता है, जो हमारे सिस्टम का डिफेंस सिस्टम होता है पैथोजेंस के आगे। यानी कि अगर हम स्ट्रेस ले रहे हैं तो अच्छे डाइट के बावजूद भी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं बन पाएगी। सो जस्ट डिस्ट्रेस योर सेल्फ बाई प्रैक्टिसिंग योगा, मेडिटेशन एंड डीप ब्रेथिंग इन योर रेगुलर रूटीन। नेक्स्ट वन इज वाइटामिन डी डेफिशिएंसी। जी हाँ, आजकल लोगों में वाइटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वाइटामिन डी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ज़्यादातर लोगों में इसकी कमी होती है। अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट में वाइटामिन डी की कमी है तो आपको इसका लेवल सही करने की हर कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा लगातार थकान, आलस या ऐसे घाव जो लंबे वक्त तक न भरे, नींद न आना, डिप्रेशन और डार्क सर्कल्स भी कमज़ोर इम्यूनिटी की निशानी होते हैं। विटामिन डी की कमी को पूरी करने के लिए हमें कुछ फूड लेने तो आवश्यक है ही, पर उसके साथ साथ सबसे ज़रूरी होता है सनलाइट, जिससे हमारे बॉडी में स्किन के थ्रू विटामिन डी प्रोड्यूस हो पाता है और पूरी बॉडी को सफिशिएंट मात्रा में मिल पाता है, क्योंकि विटामिन डी की वजह से ही हमारा शरीर एंटीबॉडीज को नेचुरली प्रोड्यूस कर पाता है। लो लेवल ऑफ विटामिन डी इन द बॉडी हैज बीन टर्म्ड एज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। इसके लिए हमें रोजाना 15 से 20 मिनट सनलाइट में ब्रिस्क वॉक लेना जरूरी है, जिससे हमारे शरीर में नेचुरली विटामिन डी की हम पूर्ति कर सके और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग बना सके। अंत में एक और बात बताना चाहूंगी, जो है आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स के बारे में। अगर हमसे हो पाए तो हमें आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स को नहीं लेके उसको ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फॉर्म में लेने की ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल फॉर्म इज द बेस्ट सप्लीमेंट फॉर अवर इम्यून सिस्टम एंड बॉडी। अगर हम आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स को लेते भी हैं तो उसकी कई बार साइड इफेक्ट्स भी होती हैं। स्कीप द बैड हैबिट्स, यानी कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे व्यसन जिनकी हमें आदत हो चुकी है, गुटखा खाना, शराब और सिगरेट का सेवन करना, जिसकी वजह से छोटी बीमारियों के साथ साथ कैंसर जैसी बीमारियों का होना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये सब व्यसन हमारे बॉडी में हार्मफुल पैथोजन को बढ़ाते हैं और हमारी डिफेंस सिस्टम, हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा वीक कर देते हैं। सो प्लीज़ 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 डू स्कीप ऑल दिस हैबिट्स फ्रॉम योर लाइफ। पहले हमारे इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म को नेचुरल वे में नेचुरली स्ट्रांग बनाए विद द हेल्प ऑफ वेरी हेल्दी एंड संतुलित डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, सफिशियंट सन एक्सपोजर एंड स्कीपिंग ऑल अवर बैड हैबिट्स फ्रॉम अवर लाइफ स्टाइल। क्योंकि जितनी हमारी लाइफस्टाइल अच्छी होगी उतनी ही हमारी इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम अच्छी होने से हम कम बीमार होंगे
और हमारी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुली जी पाएंगे। इंफॉर्मेटिव और क्रिएटिव वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आरआई व्लॉग बॉक्स एंड गिव अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर थॉट्स इनटू द कमेंट बॉक्स डाउन बिलो। प्लीज डू शेयर विद एवरीवन। थैंक यू।